दोस्तों, न्यूजीलैंड ने रचा इतिहास। 3 दिन में खत्म किया दूसरा टेस्ट, 2-0 से सीरीज पर किया कब्जा। भारत को मिली शर्मनाक हार, जिसे देखकर केवल करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल नहीं टूट गया बल्कि दुनिया भर के दिग्गज भी पूरी तरह से हैरान हो गए। और फिर बयान देते हुए बताया, हार का सबसे बड़ा वजह तो आखिर किन किन दिग्गजों ने क्या कुछ दिया। बयान, भारत को मिला दूसरे टेस्ट मैच में भी शर्मनाक हार। दुनिया भर के दिग्गजों का वह वायरल बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा वजह क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। आपको बता दें, इस इनिंग में टीम इंडिया की शुरुआत बेहद शानदार हुई। वॉशिंगटन सुंदर ने अकेले दम पर न्यूजीलैंड के बड़े बड़े बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी और पूरी टीम 259 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब हुई। 156 रनों के ही स्कोर पर पूरी टीम बिखर गई, जिसके कारण न्यूजीलैंड की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी। दोबारा बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम ने भारत के सामने 255 रन बनाकर टीम इंडिया के सामने 350 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस पारी में भी वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट झटके, वहीं जडेजा ने भी 3 विकेट अपने नाम किया। लेकिन भारत के सामने विशाल स्कोर न्यूजीलैंड की टीम खड़ा कर दी, जिसके जवाब में उतरी भारतीय टीम की शुरुआत एक बार फिर डगमगा गई। जायसवाल अकेले एक तरफ से दहाड़ लगा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से विकेट ताश के पत्तों की तरह गिर रहा था। देखते ही देखते टीम इंडिया ने 167 रनों के ही स्कोर पर 7 बल्लेबाज अपने खो दिए और अब तो यही लगने लगा कि 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म होने वाला है और टीम इंडिया की हार सुनिश्चित हो गई। भारत का यह खराब प्रदर्शन देखकर पूरा स्टेडियम हैरान हो गया। ड्रेसिंग रूम में भी सन्नाटा छा गया, हर तरफ खिलाड़ियों की आलोचना होने लगी, करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल टूट गया। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना भी भारतीय टीम के लिए बहुत मुश्किल था, जिसके बाद दुनिया भर के दिग्गज भी टीम इंडिया पर अपना गुस्सा उतारते हुए हैरान कर देने वाला बयान दिया और इन सभी दिग्गजों का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो चलिए अब हम आपको सभी दिग्गजों के बयान को सुनाते हैं, क्या कुछ हार पर कहा है। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने गुस्से से बयान देते हुए कहा कि मैं टीम के प्रदर्शन से बेहद निराश हूं, यह मुकाबला हमें जीतना चाहिए था, लेकिन बल्लेबाज जल्दबाजी में अपना विकेट खो बैठे। हमारे पास जीतने का अच्छा मौका था, रोहित कोहली को संन्यास ले लेना चाहिए, बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। अब हमारा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंचना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि हमारी टीम अब वापसी कर पाएगी, अगर इसी तरह खेलते रहे तो कुछ नहीं होने वाला। हमने उम्मीद नहीं की थी कि हमारी टीम इतनी खराब प्रदर्शन करेगी, मुझे शर्म आ रही है। वहीं ब्रैंडन मैकुलम ने भी टीम इंडिया का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वाह, टीम इंडिया इतनी कमजोर है, हमने सोचा नहीं था। हमारी टीम ने उनके घर में घुसकर हरा दिया, सीरीज पर हमने कब्जा कर लिया, इस बार हम जरूर फाइनल भी जीतेंगे, मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है। मिशेल संतनर की मैं जितनी तारीफ करूं कम है, इस गेंदबाज ने अकेले भारतीय टीम को ध्वस्त कर दिया। मैं अपनी टीम के प्रदर्शन से काफी खुश हूं, मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है, भारत को हम में सीरीज में क्लीन शिप करेंगे। शोएब अख्तर ने भारतीय टीम का मजाक उड़ाते हुए कहा कि इतनी बड़ी शर्मनाक हार हमने आज तक नहीं देखी, 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म होना आसान नहीं होता, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने कर दिखाया, भारत को उनके घर में घुसकर हराया। कितनी शर्म की बात है, लोग सिर्फ हमारी टीम के पीछे पड़े रहते हैं। भारत का भी प्रदर्शन वैसा ही है, उनके सभी खिलाड़ी फ्लॉप हैं। कोहली रोहित को संन्यास ले लेना चाहिए, उनके बल्ले से रन नहीं आते। हमेशा बाबर को टारगेट किया जाता है, इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ट्रॉफी हमारी है, हमारे खिलाड़ी शानदार फॉर्म में है, टीम इंडिया किसी भी हाल में नहीं जीत सकती। साथ ही साथ रिकी पोंटिंग ने भी भारत की हार पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं दोनों टीमों के बीच टेस्ट मैच देखकर पूरी तरह से हैरान हूं, दोनों टीमों ने जबरदस्त खेल दिखाए, कांटे की टक्कर दी। तो एम्पायर ने दे दिया आउट, तब ऋषभ पंत ने धोनी की तरह हुए रिव्यू का किया ऐसा इस्तेमाल, देख न्यूजीलैंड क्या। खुद दोनों एम्पायर भी ऋषभ पंत से माफी मांगने को मजबूर हो गए, तो आखिर कैसे बीच मैदान में ऋषभ पंत बन गए धोनी, कैसे अपनी चालाकी से उन्होंने जीता पूरे क्रिकेट जगत का दिल, बदल कर रख दिया एम्पायर का फैसला उन शानदार मोमेंट का। पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, जिसे देखकर आपको भी धोनी की याद आ जाए। लेकिन उससे पहले यदि आप भी ऋषभ पंत और धोनी के फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ऋषभ पंत को धोनी का मिनी वर्जन कहा जाता है, ये बात तो सभी जानते हैं, ये केवल उन्हें नाम मिला नहीं है बल्कि ऋषभ पंत ने इस नाम के मुताबिक कई बार करिश्मा भी किया है। जैसा एक शानदार मोमेंट हमें इंडिया न्यूजीलैंड टेस्ट मैच के चौथे दिन सुबह सुबह देखने को मिला, जब एम्पायर ने भी ऋषभ पंत को आउट दे दिया था, तब ऋषभ पंत ने चालाकी दिखाते हुए अपने गुरु की तरह कुछ ऐसा करिश्मा कर दिखाया, देखकर तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
जी हाँ दोस्तों, दरअसल सरफराज के साथ मिलकर ऋषभ पंत सुबह सुबह विस्फोट बैटिंग कर रहे थे। उन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैदान में तहलका मचा दिया। टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचाया तो 66वां ओवर लेकर आए। एजाज पटेल की पहली और तीसरी गेंद पर उन्होंने तूफानी छक्का लगा दिया था, लेकिन चौथी गेंद पर एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में ऋषभ पंत पूरी तरीके से चकमा खा जाते हैं और गेंद सीधा जाकर उनके पैड पर लगती है। गेंदबाज और न्यूजीलैंड के विकेट के लिए जोरदार अपील की और एम्पायर की भी उंगली खड़ी हो गई। पूरा स्टेडियम मायूस हो गया था, लेकिन दोस्तों बिना एक सेकंड भी समय बर्बाद किए सीधा ऋषभ पंत ने रिव्यू का इस्तेमाल कर लिया। उन्हें खुद पर भरोसा था बहुत कि वो नॉट आउट है। और दोस्तों जब यह फैसला थर्ड एम्पायर के पास पहुंचा तभी स्टेडियम के बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया कि गेंद की पिचिंग तो आउटसाइड ऑफ हो रही है और ऋषभ पंत को आउट देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ग्राउंड एम्पायर से बहुत बड़ी गलती हो गई और थर्ड एम्पायर ने उनका फैसला बदलाव कर ऋषभ पंत को एक नया जीवन दान दिया, जिसके बाद तो खुद एम्पायर भी ऋषभ पंत से माफी मांगते हुए नजर आए। तो वहीं ऋषभ पंत ने जैसे चालाकी दिखाते हुए न्यूजीलैंड का दिल तोड़ा, सबको धोनी की याद आ गई थी क्योंकि वो भी इसी तरह रिव्यू लेकर मैच का पासा पलट देते हैं। जहां अब यह शानदार मोमेंट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, आखिर हो भी क्यों ना, धोनी के नक्शे कदम पर चलते हुए ऋषभ पंत आए दिन नए माइलस्टोन हासिल कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि धोनी और पंत में कौन सबसे शानदार विकेट कीपिंग बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो तीसरे दिन मैदान पर उतरते ही बुमराह और सिराज ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों की उड़ाई धज्जियां, एक के बाद एक विकेट उखाड़ कर पूरी टीम को घुटने टेकने पर कर दिया मजबूर। तो आखिर भारत के सामने न्यूजीलैंड के कितने रनों का खड़ा गया स्कोर, कितने रनों पर सिमट गई न्यूजीलैंड की पूरी टीम, बुमराह और सिराज के साथ साथ किन किन गेंदबाजों ने उड़ाए न्यूजीलैंड के बरखच्चे, बुमराह और सिराज के तूफान के साथ साथ हम आपको मैच की पूरी हाईलाइट तो जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारतीय टीम न्यूजीलैंड को पहले टेस्ट मैच में धूल चटा पाएगी या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जा रहा है। आपको बता दें पहला दिन बारिश के कारण धुल जाने के बाद दूसरे दिन दोनों टीमों के बीच सिक्का उछाला गया। टॉस कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन भारत की पूरी टीम केवल 46 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जिसके जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने भी दूसरा दिन खत्म होने तक 180 रन 3 विकेट पर बना लिए थे। मैदान पर डेरिल मिशेल और रचिन रविंद्र बल्लेबाजी कर रहे थे, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी बन रही थी। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर से ये दोनों खिलाड़ी बैटिंग करने के लिए मैदान पर उतरे। पुराने वाले ही अंदाज में ये दोनों बल्लेबाज नजर आ रहे थे। तीसरे दिन भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज, लेकिन इनका स्वागत रचिन रविंद्र ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। भारत की तरफ से 52वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। कीवी बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे, लेकिन अंतिम गेंद पर रविंद्र ने रन बटोरे 3 और अपनी टीम को 188 रनों तक पहुंचा दिया। अब तक न्यूजीलैंड की टीम ने 142 रनों की बढ़त बना ली थी। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को जल्द से जल्द विकेट की जरूरत थी ताकि न्यूजीलैंड को ऑल आउट कर मैच में भारत हासिल कर सके। 53वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया, एक एक रन के लिए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को तरसा दिया। न्यूजीलैंड का स्कोर धीरे धीरे कछुए की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। भारतीय टीम मैच में पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश कर रही थी। भारत की तरफ से 54वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह आते ही अपनी गेंद से आग उगलना शुरू कर दिया। लगातार उन्हें विकेट की तलाश थी, लेकिन दोनों बल्लेबाज समझ के साथ मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे, विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में एक भी रन नहीं दिए और मिडन फेंक दिया। भारतीय टीम की तरफ से तीसरे दिन खतरनाक गेंदबाजी देखने को मिल रही थी, लेकिन विकेट हाथ नहीं लग पा रहा था। कप्तान रोहित शर्मा को लगातार विकेट की तलाश थी, इसीलिए तेज गेंदबाजों से ओवर निकलवा रहे थे। उन्हें बखूबी पता था कि शुरुआत में तेज गेंदबाजों को इस मैदान पर विकेट जरूर मिलता है, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी भारत की तरफ से 55वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। बार बार डेरिल मिचेल अपना विकेट खोने से बच रहे थे, लेकिन सिराज ने जाते जाते अपने ओवर की अंतिम गेंद पर मिचेल को पवेलियन का रास्ता जायसवाल के हाथों कैच पकड़वा कर दिखा दिया। और इसी के साथ टीम इंडिया को तीसरे दिन की पहली सफलता मिल गई। 193 रनों के स्कोर पर न्यूजीलैंड के 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे, लेकिन अभी भी मैदान पर रचिन रविंद्र टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब टॉम ब्लैंडल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। वहीं दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह भी लगातार विकेट की तलाश में थे, लेकिन रविंद्र और टॉम ब्लैंडल भी अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। दोनों जमकर कुटाई कर रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच भी एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई नजर आ रही थी। देखते देखते न्यूजीलैंड का स्कोर भी 200 रनों के पार पहुंच गया। भारत की तरफ से 58वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और आते ही उन्होंने इस ओवर की चौथी गेंद पर टॉम ब्लैंडल को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को 5वीं सफलता 204 रनों के स्कोर पर दिला दी। ब्लैंडल अपनी टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम मैच में धीरे धीरे पकड़ मजबूत करती हुई नजर आ रही थी। एक तरफ से रचिन रविंद्र मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर न्यूजीलैंड की टीम पूरी की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी।
न्यूजीलैंड ने 159 रनों की बढ़त भी हासिल कर ली थी। टीम इंडिया को जल्द से जल्द न्यूजीलैंड टीम को ऑल आउट करना बेहद जरूरी था। बुमराह और सिराज की गेंद ग्रंथी फिलिप्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। 60 ओवर में न्यूजीलैंड की टीम ने 215 रन बना लिए थे और 169 रनों की लीड भी हासिल कर ली थी, जिसे देखकर तो यही लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम आज के ही दिन ऑल आउट हो जाएगी। लेकिन भारत के सामने 200 रनों तक की लीड दे सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को धूल चटा पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी नई नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम का खराब प्रदर्शन देखकर पूरा क्रिकेट जगत की आंखें फटी की फटी रह गई। 34 रनों के ही स्कोर पर टीम के साथ बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम की घटिया बैटिंग देखकर दुनिया भर के दिग्गज भी हैरत में आ गए और फिर रोहित कोहली के साथ साथ राहुल को निशाना बनाते हुए ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार किन किन